नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे क्विक छोले भटूरे। भटूरे का आटा हम इनो डालकर बनाएंगे और भटूरे बनाने में जो भी प्रॉब्लम आती है उन पर भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं बनाना। छोले बनाने के लिए हम चने उबालेंगे। हमने एक कप चने को धोकर रात भर पानी में भिगोया और फिर से धोकर ले लिया है। एक कप पानी डाल देंगे, गैस ऑन कर देते हैं। एक छोटी चम्मच नमक, एक चौथाई छोटी चम्मच बेकिंग सोडा और ये हमने डेढ़ छोटी चम्मच चाय की पत्ती ले ली है स्ट्रेनर में। इसे बंद कर देंगे। आप इसकी जगह टी बैग भी ले सकते हैं, कपड़े की पोटली बनाकर भी इसमें डाल सकते हैं। अब हम कुकर को बंद करते हैं और एक सीटी आने तक पकने देते हैं। छोले उबलते हैं तब तक हम इधर भटूरे का डो बना लेते हैं। हमने दो कप मैदा ले ली है प्याले में और ये दो टेबल स्पून दही डाल देंगे। एक छोटी चम्मच शुगर पाउडर, आधा छोटी चम्मच नमक और ये तीन चौथाई छोटी चम्मच इनो फ्रूट सॉल्ट मैदा के अंदर मिला लेंगे। गुनगुने पानी की सहायता से हम सॉफ्ट डो बनाएंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, जैसा पराठे के लिए बनाते हैं बिल्कुल उसी तरह का। दो टेबलस्पून तेल है ये, थोड़ा सा डालेंगे और इसमें मिलाते हुए डो को सॉफ्ट बनाएंगे। कुकर में सीटी आ गई है, फ्लेम धीमी कर देंगे और धीमी फ्लेम पर चनों को 7 मिनट तक पकने देंगे। वापस अपने डो पर आ जाता है। इस डो को हमें मलते रहना है जब तक कि एकदम स्मूथ और सॉफ्ट नहीं हो जाता। इसे हम 7 मिनट तक मसल मसल कर गूंथते रहे हैं। इस डो को बनाने में हमने लगभग आधा कप पानी का यूज किया है। भटूरे का डो आज हमने इनो डालकर बनाया है। इसे हम बेकिंग सोडा डालकर भी बनाते हैं, बेकिंग पाउडर डालकर भी बनाते हैं और सोडा वाटर बॉटल से भी बनाते हैं और ईस्ट से भी बनाते हैं। इनो इजीली अवेलेबल है, ये केमिस्ट शॉप पर मिल जाता है जो हमेशा खुली रहती है, लॉकडाउन में भी खुली रहती है। और 7 मिनट में हमारे छोले भी उबल कर तैयार हो गए। फ्लेम बंद कर देते हैं और कुकर का प्रेशर ख़त्म होने का इंतज़ार कर लेते हैं। कुकर का प्रेशर ख़त्म हो गया और चनों को चेक कर लेते हैं। देखिए चने कितने अच्छे उबल कर तैयार हुए हैं, एकदम मैश हो रहे हैं। और ये जो स्ट्रेनर है उसे हम निकाल के हटा देंगे। छोले बनाने के लिए हमने ये पैन ले लिया, इसमें 2 टेबलस्पून तेल डाल देते हैं, गरम होने देते हैं। तेल गरम हो गया, आधा छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। फ्लेम हमने धीमी कर दी है ताकि मसाले जले ना। जीरे को भून लेंगे। एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, हल्का सा भून लिया हमने। ये 5 टमाटर लिए हैं हमने, आधा इंच अदरक का टुकड़ा है और 2 हरे मिर्च, इनका हमने पेस्ट बनाकर ले लिया है। आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, मिर्च आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक कि मसाले से तेल अलग ना होने लगे। फ्लेम मीडियम और मीडियम हाई रखेंगे। अगर आप प्याज वाले छोले बनाना चाहते हैं तो जीरा भूनने के बाद एक प्याज को बारीक कतर कर डालें और गुलाबी होने तक भून लें। बाकी सारे मसाले इसी तरीके से डालकर मसाला बनाएं। मसाले से तेल अलग हो रहा है, मसाला भून चुका है। इसमें हम डाल देते हैं आधा कप पानी और ये एक छोटी चम्मच छोले मसाला। ग्रेवी हमारी तैयार हो गई, इसमें डाल देंगे ये चने। नमक तो हम पहले ही डाल चुके हैं, आप टेस्ट करके देख सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग अगर आपको कम लगे थोड़ा नमक और डाल सकते हैं।
इसे ढककर हम मीडियम फ्लेम पर 3-4 मिनट पकने देंगे। इन्हें हमने 4 मिनट कुक कर लिया है, छोले बनकर तैयार हैं। थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं और मिला देते हैं। छोले तैयार हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपीज़ के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। और अब बनाते हैं भटूरे। भटूरे तलने के लिए हमने तेल गरम करने के लिए रख दिया है और इधर हमारा ये डो है, इसे हम लोइयां तैयार कर लेते हैं। तो आटे से हम पीसेस बना लेते हैं। और इसको हम गोल, जैसे कि हम पराठे के लिए लोई बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से गोल बना लेंगे। और थोड़ा सा सूखे का हाथ लगा के और लोई के ऊपर मल देंगे और इसे तैयार करके रख देते हैं। तो पहले तो हमने सारी लोइयां ही तैयार कर लेते हैं। तो एक ये लोई हम उठा लेंगे, सूखा आटा हमने पहले से ही लगा लिया है, थोड़ा सा और लगा लेते हैं और इसको बेलते हैं। तो इसको हम ओवल या गोल जैसा चाहे वैसा बेल सकते हैं। इसे हम बहुत ज़्यादा पतला नहीं करते हैं, हल्की सी थिकनेस रखते हैं, जैसा पराठा बनाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से इसको थिक बेलते हैं। तो तेल को चेक कर लेते हैं, थोड़ा सा हम आटा तेल में डाल देते हैं। आटा तुरंत सिककर तेल पर तैरने लगा है, अच्छा फूलने लगा है। तेल हमारा गरम है और भटूरे तलने के लिए हमें अच्छा गरम तेल चाहिए, एकदम धुआं निकलता हुआ। तो देखिए आटा तुरंत सिक गया है, भटूरा तलने के लिए डालते हैं। और कलछी से इसे बिल्कुल नीचे ही दबा देंगे, एकदम तैर कर ऊपर आ रहा है तो हल्का हल्का सा इसे दबा देंगे और दोनों ओर से हल्का सा ब्राउन होने तक सिकने देंगे। भटूरा दोनों ओर से अच्छा सिक गया है। और हमें इसी तरीके से सारे भटूरे बनाकर तैयार करने हैं। छोले भटूरे सर्व करने के लिए तैयार हैं। बहुत आसानी से बन जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना है। नंबर एक, जब आप डो बनाएंगे तो उसे मसल मसल कर पूरे 7-8 मिनट तक सॉफ्ट बनाना है। इसके बाद 1 घंटे के लिए रख देना है, थोड़ा सा और मसलना है। नंबर दो, आटे से लोई बनाकर रख लीजिए पहले, ताकि आपको बेलते समय ज़्यादा दिक्कत ना आए। और बेलते समय ध्यान रखना है कि भटूरा थोड़ा सा ठीक होना चाहिए और एक जैसा बेला जाना चाहिए। नंबर तीन, कढ़ाई सफिशियंट बड़ी हो और तेल भी उसमें सफिशियंट होना चाहिए। नंबर चार, तलने में आपको बहुत ध्यान रखना है, तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। थोड़ा सा आटा तेल में डालकर देख लीजिए, आटा तुरंत उठकर ऊपर आ जाना चाहिए। भटूरा तलने के लिए डालिए, वो भी तुरंत उठकर ऊपर आ जाएगा और फूला फूला बनेगा। आप बहुत अच्छे भटूरे बनाकर तैयार करेंगे। तो आप छोले भटूरे बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए कौन सी नई रेसिपी बनानी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।